नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा, और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, सबसे पहले उसी का रुख कर रहे हैं। देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार चल रही है। इनमें यूपी, झारखंड, केरल, बंगाल की एक एक सीट शामिल है जिन पर वोटिंग जारी है। वहीं केरल की एक और त्रिपुरा की 2 सीटों पर मतदान जारी है। यूपी की घोसी विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर भी मतदान फिलहाल चल रहा है। तो दोपहर 11 बजे तक 22% वोटिंग घोसी में हुई है, ये आंकड़ा सामने आया है। तो देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव के तहत वोटिंग चल रही है। इनमें यूपी, झारखंड, केरल, बंगाल की एक एक सीट शामिल है, तो वहीं केरल की एक और त्रिपुरा की 2 सीटें शामिल है जिन पर मतदान चल रहा है। और जो आंकड़ा सामने आ रहा है, क्योंकि जो आंकड़ा आया है सुबह 11 बजे तक, तो 22% वोटिंग अब तक घोसी में हो चुकी है और लगातार वोटिंग का सिलसिला शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। एक तरह से इस उपचुनाव को एनडीए वर्सेस इंडिया की प्रतिष्ठा के तौर पर देखा जा रहा है। खासतौर से अगर यूपी की घोसी सीट की बात करें तो यहां पर सभी की निगाहें बनी हुई है, क्योंकि यहां सपा वर्सेस बीजेपी की टक्कर साफ तौर पर दिख रही है। इंडिया गठबंधन की तरफ से एक उम्मीदवार, यानी जो सपा की तरफ से सुधाकर सिंह खड़े किए गए हैं, उन्हें कांग्रेस के साथ साथ वामदलों का समर्थन भी मिला है। बसपा ने यहां कोई कैंडिडेट उतारा नहीं है। तो ये दारा सिंह चौहान बीजेपी की तरफ से हैं। जोर शोर से प्रचार प्रसार घोसी सीट पर किया गया। खुद बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता, मंत्री इस सीट पर लगातार जनसभाएं करते रहे, तो वहीं सपा की भी तरफ से प्रचार प्रसार में कोई कमी छोड़ी नहीं गई। तो बीजेपी वर्सेस सपा के इस टक्कर में किसकी जीत होती है, इसी पर सभी की नजर। और तो जिस तरह से हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, तो आज घोसी सीट समेत ऐसे 6 राज्य की 7 सीटें हैं जिन पर उपचुनाव चल रहा है। उपचुनाव के तहत वोटिंग लगातार चल रही है, शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। सुरक्षा चाक चौबंद यहां पर कर ली गई है। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटें, यूपी, झारखंड, केरल, बंगाल की एक एक सीट है। इसके अलावा त्रिपुरा की 2 सीटें हैं जिन पर मतदान की प्रक्रिया देखने को मिल रही है। तो एक तरह से इसे 2024 लोकसभा चुनाव के फाइनल के सेमीफाइनल के तौर पर देखने को मिल रहा है, यानी एनडीए वर्सेस इंडिया की जो लगातार हम लड़ाई बनते हुए देख रहे हैं 2024 की, कहीं ना कहीं उसकी झलक इस चुनाव से भी सामने आएगी, और इसीलिए देश की नजर इस सीट पर है। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद की घोसी विधानसभा सीट एकमात्र सीट जहां पर आज उपचुनाव है और मतदान शुरू हो चुका है। आपको दिखा रहे तस्वीरों में कि हमारे सामने ये प्राथमिक विद्यालय जहां पर बूथ बनाया गया, और आप देख रहे हैं कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो यहां पर किस तरीके से चुस्त दुरुस्त की गई है। चूँकि बेहद संवेदनशील है ये चुनाव, बीजेपी की तरफ से दारा सिंह चौहान जो समाजवादी पार्टी से ही बीजेपी में वापस आए थे और उन्हीं को उम्मीदवार बनाया गया, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा उनके सामने समाजवादी पार्टी है, यूं कहे कि इंडिया के प्रत्याशी जो हैं वो सुधाकर सिंह है, और दोनों ही तरफ से काफ़ी लंबी जोर आजमाइश की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पूरी मंत्रियों की फौज यहां पर उतारी गई, खुद मुख्यमंत्री के अलावा दोनों डिप्टी सीएम और तमाम मंत्री, और उसके अलावा ओम प्रकाश राजभर यानी जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सहयोगी दल, वो भी यहाँ पर पूरी ताकत लगा रहे थे। चूँकि प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, और ये कहा जा रहा है कि इंडिया बनाम एनडीए की जंग का ये पहला टेस्ट है जो घोसी में हो रहा है, और इसको लेकर के यहाँ पर दोनों ही तरफ से काफ़ी रस्साकशी की जा रही है, पूरी जोर आजमाइश की जा रही है। सुधाकर सिंह जो समाजवादी पार्टी यानी इंडिया के उम्मीदवार हैं, और दारा सिंह चौहान जो पूर्व मंत्री हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यूं कहे कि एनडीए के उम्मीदवार हैं। तो एक तरीके से ये प्रतिष्ठा का सवाल भी बन चुका है, और काफ़ी संवेदनशील चुनाव ये माना जा रहा है, और उसको देखा इस नज़रिए से भी देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मिशन 80 का लक्ष्य लेके चल रही है, तो ये उपचुनाव और इसके नतीजे ये